हे गाइस वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो पिछले दो मैच में इस वाले होटड्रॉप पे उतरा और उतरते ही मारा गया, तो अब ये वाले होटड्रॉप पे बहुत सारे बंदे आ रहे हैं, तो इस बार ट्राई करेंगे सर्वाइव करने का। मैं भाई दो बार लिटरली आया हूँ इस वाले होटड्रॉप पे और दोनों बार मैंने कोशिश करी कि मैं यहाँ पे सर्वाइव करता हूँ, बंदे इतने आते हैं। ऊपर से ये जगह ऐसी है कि भाई यहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा थोड़ा मुश्किल सा होता है, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा स्ट्रक्चर कितना ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप की चीज़ है। और ऊपर से यार लोगों के पास यहाँ पे इतनी सुविधाएं हैं, कोई बूट पहन के रश कर रहा है, कोई मेसी के, कोई रोनाल्डो के बूट, तो थोड़ा उनको ना काउंटर करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। तो मैंने सोचा इस बार ना भाई अपन पुश नहीं करेंगे फालतू का, बस होल्ड करना है इस बार। सबसे पहले तो गन्ने वन्ने ले लेते हैं। यार यहाँ से मैंने एक चीज़ ट्रिक लगाई है कि इधर से ना आप देखो ग्रोज़ा भी कभी कभी मिल जाती है पता, तो ट्राई करते हैं यहाँ से, अगर ग्रोज़ा व्रोज़ा मिल गई तो अपना तो काम यहीं पे बन जाएगा भाई, उसके बाद तो बाकी को मारना बड़ा इजी हो जाएगा। फिलहाल ग्रोज़ा तो नहीं, वैक्टर वैक्टर मिली है, कोई काम की तो है नहीं अपनी। चलो अब गाइज एक काम करते हैं, बहुत इनफ टाइम हमने ले लिया, अब एक एक करके बंदों को मारना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि गन्स अपने पे हो गए हैं, इससे ज़्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। चलो दो को निपटा दिया गाइज, दो नहीं एक ही था वो, दूसरा अभी भी उधर ही है अभी भी। खैर थोड़ा वेट करते हैं। ओके अब ये जो जगह है ना गाइज, देखा जाए तो यार नॉर्मली यहाँ पे बंदे आते तो हैं, रैंक पुश के दौरान मैं मेनली इन्हीं वाले घरों में उतरा करता था गत्का में, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये पता नहीं क्या ही अजीब सा वार्डरोब बना दिया इसको, और पहले क्या थोड़ी एक्सक्लूसिविटी रहती थी कि ये एक्सक्लूसिव हॉट ड्रॉप है, ये एक ही जगह पे होगा, अब तो भाई पूरे मैप में पीछे पड़े हैं भाई। मैंने इस बंदे को गलती से क्या मारा, आप देखना गाइस मेरे ऊपर इतने रश होने वाले यहाँ पे। यहाँ वीडियो शुरू हुई है और यहीं वीडियो खत्म हो जाएगी, रश करते करते भाई लोग पागल हो जाएंगे, अभी देखना जरा क्या ही होता है। खैर वहाँ से अपन निकले और इस वाली जगह पे आते हैं, यहाँ पोपो भी बचती है, लेकिन सामने बंदे थे फायरिंग हो रही थी बड़ी देर से, मैं नोटिस कर रहा था। मैंने सोचा यार उस ऑर्डर को छोड़ना तो नहीं, लेकिन एक काम करते हैं ना, सामने वाले बंदे को जल्दी से मार के वापस उसी वाली ऑर्डर पर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर बंदे बहुत आते हैं, आई डोंट नो क्यू बट बहुत ज़्यादा बंदे आते हैं, और जोन भी उधर ही का ही है। नॉक तो कर दिया मैंने उस बंदे को, आई थिंक वहाँ पर और बंदे भी हैं जो कि अंदर हैं, बच के रहना पड़ेगा थोड़ा। होता क्या है कि जो वो वाले होटड्रॉप पे मरते हैं ना गाइस, वो आजू बाजू वाले होटड्रॉप्स पे आज चले जाते हैं। इनका होटड्रॉप तो नहीं करूँगा, इनको छोटे मोटे घर कहूँगा मैं। चलो इसको बंदे को निपटा दिया, अब अपने पास बग्गी भी है, लेकिन फुटबॉल बन के जाने में ज़्यादा मज़ा आएगा, बट क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्लोज ही जाना था और फुटबॉल थोड़ा थोड़ा जो है अजीब सा ही उसका मूवमेंट है यार, लाइक उतना स्मूथली चलता नहीं हो जितना हम उसको एज चाहते हैं कि हाँ एक एक्चुअल फुटबॉल एकदम जितनी तेज तरीके से एकदम चले, ऐसा नहीं चलता यार, अजीब सी ही मूवमेंट है यार उस वाले फुटबॉल की, तो मैंने बग्गी पे जाना ही प्रेफर किया। अब यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद पुश होता है। ये बंदा आ तो उन्हीं वाले घरों से रहा है जिन घरों पर जाके भी मैं बंदों को पेल के आया था, शायद वहाँ पर दोबारा रैव हुआ होगा, और इन्होंने अब गंदी सी आदत लगा दी भाई रैव होने की पता, पहले बहुत अच्छा था भाई, आदमी एक बार मरा सीधा लॉबी में। कुछ कुछ चीज़ें यार वो गंदी सी आदत लग गई है अभी पबजी खेलने वालों को पता। मैं यहाँ पे थोड़ा वेट कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरी इस बिल्डिंग के बिल्कुल नीचे भी बंदे हैं और वो मेरे ऊपर जस्ट पुश करने वाले गाइस, देखो जरा आप कैसे भरते उनको। कुछ और आए, मेरे सामने वाले घर के अंदर जो है फाइटिंग चल रही थी और बाद में वो मेरे बिल्डिंग में भी आ ही जाते हैं, थोड़ा वेट ही करते हैं, अभी आने देते हैं इनको ऊपर। हम ये एक जोड़ तो मार दिया गाइस, अभी और बंदे आएंगे इनके, तो भर भर के बंदे हैं यार यहाँ पे, अब एक ही बंदा ऊपर आ पाएगा गाइस, क्योंकि एक का तो मैंने रास्ते में जो है सफ़र ख़त्म कर दिया है। अब बंदा ऊपर नहीं आ रहा गाइस, उनको अभी लग रहा है कि ऊपर जाएंगे तो मरेंगे, तो ट्राई करते गाइस पुश करने का, और या तो उन्हीं को थोड़ा और ज़्यादा उकसाते कि वो मेरे ऊपर पुश करें। मैं तो नीचे नहीं जाने वाला भाई, आएंगे तो ऊपर आएंगे भाई, वरना तो भाई मैं नीचे नहीं जाने वाला, इतनी बार मार चुका हूँ गाइस इनको, मैं बार बार मार रहा हूँ लेकिन ऊपर नहीं आ रहे, अभी कोई भी नहीं आ रहा ऊपर, और आएंगे तो फिर आ रहे हैं गाइस, आ रहे हैं। मैं
निपट गया गाइस ये वाला बंदा भी, इसका भी खेल अभी जो है फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो अब मुझे लग रहा है कि फाइनली यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब काफ़ी सारे बंदे मार दिए गाइस, वो भी इसी बिल्डिंग के अंदर ही। सो वहाँ से बगी पकड़ के निकलते हैं, इस जगह पे आते हैं, थोड़ा सा आगे जाएंगे गाइस यहाँ से। सामने मेरे को जो है एक बंदा चलते हुए दिखाई देता है, अब इतनी दूर से तो कुछ होने नहीं वाला, जितनी जल्दी हो सके क्लोज जाना पड़ेगा उसके। और यहाँ पे मल्टीपल फाइट्स इनिशिएट हो गई है गाइस, थोड़ा जोन भी आ रहा है तो देखना पड़ेगा अभी यहाँ पे कर क्या सकते हैं अपन। जोन के बाहर फाइट लेना हालांकि उतना प्रेफर नहीं करूँगा मैं, लेकिन फिर भी अगर किल मिल रहे हो तो फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज तो फिर सीधे जोन में। दोनों निपटा दिए गाइस मैंने, यहाँ पे तगड़ी फाइट होने वाली गाइस यहाँ पे। तो अभी दोनों के दोनों नॉक है, इनपुट्स का कभी यूज़ करूँगा मैं, फाइनली कहीं तो यूज़ आ रहे हैं। अब यहाँ पे यार ये भी एक नई सिस्टम है पता, अब मैं देखो कैसे रॉकेट से ऊपर उड़ के जाऊँगा गाइस यहाँ पे। ये अपने रॉकेट, पता नहीं इन रॉकेट का मतलब क्या है, कोई लॉजिक सा मेरे को लगता नहीं है यार। बीच गेम के अंदर रॉकेट कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ भी नहीं है ये, कि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट डालती हो। फिलहाल जो भी है अभी हम जो है स्काई डाइविंग कर रहे हैं गाइस फाइनली। इस फीफा वाले वर्ल्ड कप को उठाना था हमें, बट क्या करें वहाँ तो नहीं लेकिन कहीं और उतरे हैं। और एक तो पैराशूट आधे रास्ते से गायब क्यों हो जाता है भाई। अब इस ओवर ड्रॉप, ये भी अजीब सा ही ओवर ड्रॉप है यार, लगता ही नहीं है पबजी खेल रहे हैं। अजीब सा स्ट्रक्चर होता जा रहा है धीरे धीरे पबजी के, अजीब अजीब अपडेट आ रहे हैं। फिलहाल ये बूट्स पहन के कूदोगे तो उतना डैमेज नहीं पड़ेगा, लेकिन ये बूट्स थोड़े टाइम के लिए होते हैं तो ऐसा नहीं कि बस पहन के घूमते रहो। वापस एक बार स्काई डाइविंग करके मैं इस जगह पे आता हूँ, और यहाँ पे भी देखो पैराशूट बीच में से गायब हो जाता है। अब मेरे को लगा कि यहाँ पे बंदे हैं गाइस, क्योंकि फायरिंग तो आई थी यहाँ से, एक बार चेक कर लेते हैं, बट यहाँ पे जब कोई मिला नहीं मेरे को, देखा मैंने चारों तरफ, तो फिर फुटबॉल बन के जाना पड़ेगा गाइस यहाँ से। अब देखो इतनी दूर आया मैं वहाँ से फुटबॉल लेके। फिलहाल यहाँ पे एक बंदा दिखता है मेरे को, अब या तो मैं उसका पीछा करता या तो गाड़ी लेता, दो चीज़ें कर सकता था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी बंदे गाइस खुद ही आते हैं, उसका दूसरा साथी भी है गाइस, वो अंदर नहीं आएगा, वो ड्राइविंग कर रहा था आई थिंक। मैंने मॉली वॉली और चीज़ें मेजें फेंक दी वहाँ पे काफ़ी सारी। अब वो बंदा पुश तो नहीं कर रहा, पर मेरे पे पहुँचा है पुश करने का। और फाइनली गाइस यहाँ पे इजीली 1v2 किया इन दोनों का। एक चर्च पे फायर आया तो मेरे को लूटने के लिए थोड़ा सा स्मोक डालना पड़ेगा, फिर वापस आते हैं चर्च वाले को मारने के लिए। बस देखना होगा ये है कहाँ पे, क्योंकि वो स्नाइपिंग भी कर रहा था ना। निपटा नहीं है बंदा, लेकिन मेरे को 1 HP जरूर कर गया, मैंने कहा था ना स्नाइपिंग कर रहा वो बंदा। अब क्लोज में जाके निपटाना पड़ेगा गाइस, ऐसी की ऐसी बहुत वेट किया इसका, आया ही नहीं। अब वो तो नहीं मरा, लेकिन यहाँ पे जो है कोई और बंदा गाड़ी देके जाता है मेरे को। फिलहाल यहाँ पे लूट कर ली अच्छी खासी, और उसी की बग्गी लेके, नहीं उसकी गाड़ी से मैंने बग्गी ली, फिर वापस जो है बग्गी लेके निकलते वहाँ से। उसकी जो गाड़ी है उसमें फ्यूल वैसे बहुत ज़्यादा कम हो गया था गाइस, और डैमेज भी हो गई थी, जो कि मेरे को रास्ते में चेंज करनी पड़ी। फिलहाल यहाँ पे आते हैं, और ये देखना यार, अगर मैं रुक जाता ना तो एक चांस था कि मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे उतार पाऊँ इनको, बट यही था वीडियो गाइस।